गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत चलने में ठीक है। आप सभी लोगों ने अपने कैमरास क्यों बंद कर रखे हैं? प्लीज ओपन योर कैमरास। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। आप सभी लोग, आशा करती हूँ, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ पर आए और ये वेबिनार को ज्वाइन करें। चलिए, आज का वेबिनार हमारा है वॉलेट फ्लेम रेकी, वॉलेट फ्लेम रेकी के ऊपर। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं उपासना हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर रेकी सिखाती हूँ। ग्रैंड मास्टरशिप पर कर्मा रेकी सिखाती हूँ, मैग्निफाइड हीलिंग कराती हूँ, वॉलेट फ्रेम रेकी सिखाती हूँ और मनी रेकी सिखाती हूँ। इसके अलावा एंजल थेरेपी करवाती हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों पर मैं काम करती हूँ। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक प्रेयर कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट द क्लास। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। सांस तीन बार लंबी गहरी सांसें लें। सांस लें, सांस छोड़ें। सांस लें, सांस छोड़ें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें। अगर किसी भी तरह का कोई विचार आ रहा है तो उस विचार को आने दें और जाने। तीन बार ओम का उच्चारण करें। आप जो भी प्रेयर इस वक्त करना चाहते हैं वो प्रेयर करें। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं अपने उस ईश्वर को याद करें, उनकी प्रेयर करें।
प्रेयर करने के बाद हर उस व्यक्ति को ध्यान करें जिसके कारण आज आप यहां पर बैठे हैं। अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, अपने गुरुओं को, अपने लैपटॉप जिसके कारण या फिर आपका फोन जिसके कारण आज आप यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इस वेबिनार को कर रहे हैं, हर उस चीज को धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वेबिनार जो कि हमारा वॉलेट फ्लेम के ऊपर है। पहले बताइए वॉलेट फ्लेम क्या होता है? आप लोग सभी लोग यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने सीखा होगा या कोई भी मोडालिटी के साथ आप लोग जुड़े हुए होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी हम कोई भी बहुत हैवी नेगेटिविटी को जब हम रिमूव करते हैं तो हम वॉलेट फ्लेम को बुलाते हैं और वॉलेट फ्लेम में उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, उसको जला देते हैं, भस्म कर देते हैं, उसको तो वहां पर खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? बिकॉज वॉलर फ्लेम जो है वो अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है, एक बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा है जिसके कारण जब हम उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी को निकालते हैं, जब हम हमारे ऑरा को क्लीन करते हैं, जब हम ऑरा को क्लीन करते हैं तो जितने भी हमारी नेगेटिविटी आती है हम उसको वॉलर फ्लेम के अंदर भस्म कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है और हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर समा जाती है और उसको भी वो पॉजिटिव कर दे, ठीक है। तो इसलिए वॉलेट फ्लेम रेकी का नाम ही अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल रेकी है, एक बहुत ही पावरफुल तरीके से वो आपके जीवन में काम करती है। हर एक मोडालिटी के अंदर हम क्या काम करते हैं, हर एक मोडालिटी के अंदर हम जो बहुत ही सिमिलर सा काम होता है वो ये है कि हम हमारे चक्रास के ऊपर काम, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रों, चक्रास तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम काम करते हैं सिर्फ 7 चक्र, ठीक है, लेकिन हम वॉलर फ्लेम के अंदर हमारे 12 चक्रास के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। आप देखिए जब हम हमारे 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं तो ही हमारी बॉडी में कितना ज्यादा चेंजेस होता है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर वो सब सीखा हुआ होगा, किया होगा, उन्हें मालूम होगा कि उसको करने के बाद जीवन में कितना बदलाव आता है, कि आपके पूरे के पूरे जो होते हैं एक प्रकार से आपके पूरे थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली सभी को मालूम है कि जो हमारा सबसे पहला चक्र है वो है हमारा रूट चक्र, ठीक है ना, बेस, जो हमारा बेस है वो है हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र। उसके बाद ऊपर आते हैं हमारा आता है सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र जिसका कलर है हमारा ऑरेंज। उसके बाद हमारा आता है सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र जिसका कलर होता है हमारा येलो। उसके बाद हम आते हैं हार्ट चक्र के ऊपर जिसका कलर होता है हमारा ग्रीन। उसके बाद हम आते हैं हमारे थ्रोट चक्र के ऊपर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशुद्ध चक्र, और उसका कलर होता है ब्लू। फिर हम आते हैं हमारी थर्ड आई के ऊपर अजना चक्र, इंडिगो कलर होता है। एंड देन हम आते हैं क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र जिसका कलर होता है वॉयलेट। बेसिकली उसका कोई कलर नहीं होता है लेकिन हम बोलते हैं उसको कि वॉयलेट कलर है, कोई लोग उसको पिंक कलर भी बोलते हैं, कोई लोग उसको व्हाइट कलर भी बोलते हैं, लेकिन वो उसका अपना कोई कलर नहीं होता है, वो बस एक ब्रह्मांड के साथ आपको जोड़ देता है, तो आप उसको एक व्हाइट कलर बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम हमारे 7 चक्रास को, जो भी हमारे ये इंद्रधनुष के जो ये रंग है, अगर आप देखेंगे तो हमारा इंद्रधनुष जो रेनबो होता है वो इसी कलर का होता है, और जब आप उन सभी कलर्स को एक कलर बनाते हैं तो आपका व्हाइट कलर बन जाता है, ठीक है। तो आप उसको वहां पर उस चीज से डिनोट कर सकते हैं, एक व्हाइट कलर होता है, पिंक कलर होता है, पिंकिश व्हाइट,
पिंकिश वॉयलेट व्हाइट गोल्डन इस तरीके का वो कलर होता है। एग्जैक्ट उसका कलर का कोई नाम नहीं है, लेकिन हम लोग जब उसको प्रेजेंट करते हैं, जब हम लोग उसको सीखते हैं, तो हम उसे वॉयलेट कलर से ही सीखते हैं। ठीक है, कोई लोग उसको पिंक कलर, कोई लोग उसको डार्क पिंक कलर, कोई लोग उसको व्हाइट कलर, इस तरीके से अलग अलग कलर से आपको बताया जाता है। अब उसके ऊपर हमारे और भी चक्र होते हैं, जैसे ये हमने बाकी चक्रा तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ पे हम सिर्फ 12 चक्र के बारे में बात करें, जो हमारा ये हमारा है 8th चक्र, एनर्जी सेंटर ऑफ डिवाइन लव, एक हमारे स्पिरिचुअलिटी को ऊपर की तरफ लेके जाता है, जिसका कलर है हमारा सी फ्रॉन ग्रीनिश कलर में। उसके ऊपर जब हम जाएंगे, हमारा 9th चक्र जो है वो होता है हमारा सोल चक्र, सोल ब्लूप्रिंट भी हम उसको बोलते हैं। इसका कलर होता है हमारा ब्लू ग्रीन कलर। इसके बाद जब हम हमारे 10th पर जाते हैं, तो हमारा डिवाइन क्रिएटिविटी, ठीक है, इसका कलर होता है हमारा पर्ल वाइट, मोती के जैसे, जैसे आप लोगों ने मोती देखा होगा उसके जैसे एकदम बहुत ही खूबसूरत सा कलर। इसके ऊपर जब हम हमारे 11th चक्र के ऊपर जाते हैं, तो हमारी अवेकनिंग होती है, हम एकदम से उस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और इसका जो कलर है ये होता है हमारा पिंक ऑरेंज। और देखिए इनके वो भी दे रखते हैं किस तरीके से ये होते हैं, ठीक। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा होता है या नहीं होता है किसी को भी नहीं पता, इससे लोग मेडिटेशन के जरिए, जिन लोगों को, जो लोग पुराने मास्टर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर काम करा, और मेडिटेशन के जरिए उनको ये चीजें समझ में आई। जैसे कि हर एक, जब आप हर एक, जैसे आप मूलाधार से काम करते हैं, तो मूलाधार जो कमल के फूल के समान होता है, उसकी कितनी पंखड़ियां होती हैं, हर चक्र के अलग अलग होता है। जब आप सहस्रार चक्र पर जाते हैं, तो वो बिल्कुल बहुत सारी हो जाती है, अनगिनत, ठीक है। फिर उसके ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे आपकी मेडिटेशन की पावर से आपको जो जो समझ में आता है, जो जो आपको दिखता है, आप उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन घूम फिर कर बात सिर्फ इतनी ही है कि आप उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते जाते हैं। उसके बाद जो हमारा चक्र है, ये है हमारा सिमरिंग गोल्ड कलर का, और ये हमारा 12th चक्र है, जो कि हमें पूरी तरीके से इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ हमारे को कनेक्ट करता है, हमारी डायमेंशंस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा वॉलेट फ्रेम रेकी के अंदर हम ये सारी चीजों को सीखते हैं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के साथ साथ बहुत सारे, तभी मैंने बोला ना कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, जिसके अंदर आप किसी भी तरह के अगर नेगेटिव एनर्जी को लेकर आते हैं, तो वो वहां पर अपने आप ही खत्म हो जाती है। नॉर्मल जब हम लोग रेकी करते हैं, तो रेकी से भी हम उस चीज को हील कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और ज्यादा आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे बहुत सारे केसेस में ये आती है चीजें की ब्लैक मैजिक, ज्यादातर लोगों के साथ ये होती है बात, चाहे उनके साथ ब्लैक मैजिक होता है या फिर नहीं भी होता है, बट ऐसा महसूस होता है कि अगर बार बार आपकी तबीयत खराब हो रही है, बार बार आपको नेगेटिविटी आपको बहुत ज्यादा आ रही है, रात को आपको नींद नहीं आ रही है, मन में बार अलग तरीके के विचार आ रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो और आप उसको ठीक भी करा रहे हैं, ठीक भी होता है, 2-3 दिन आपको अच्छा लगता है, फिर वैसे होना शुरू हो जाता है। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ किसी ने कुछ करवा रखा है, उनके ऊपर कुछ हुआ हुआ है। और मैंने देखा है अभी तक जितने भी इस मैं काम कर रही हूँ, उसके अंदर लोग बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को लगाते हैं ब्लैक मैजिक के ऊपर, जबकि देखिए ऐसा होता तो है, लोग ब्लैक मैजिक भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर केसेस में आपके अपने खुद के एक विचार होते हैं, वो विचार हमारे इतने ज्यादा, हमारे हम उसके अंदर इतना खो जाते हैं उन विचारों के अंदर, कि वो एक एंजाइटी बनकर हमारे सामने आ जाती है। बहुत सारी हमारी जिंदगी की इनसिक्योरिटीज होती हैं, जिसके कारण हम उन विचारों में इतना खो जाते हैं कि हमें हमारी एनर्जी, जो हमारी ऊर्जा है, वो बार बार उसी दिशा में जाती है, नकारात्मकता की तरफ जाती है, नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर हम बार बार ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स में, जब हमने वो चीज को छोड़ देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से हमारी जिंदगी में आती ही है। कभी किसी के ऊपर कोई करवाता है, कभी किसी कोई कहीं जाता है आता है, रस्ते से वो चीजें उनके साथ कनेक्ट हो जाती है। कुछ भी हो, अगर आप हीलिंग मोडालिटी के अंदर है और आप अपनी रेगुलर हीलिंग करते हैं,
तो वो चीजें आप पर असर नहीं करती। कुछ समय के लिए वो चीजें आपको डिस्टर्ब जरूर कर सकती हैं, लेकिन वो आपको परेशान नहीं करा, मतलब हमेशा के लिए। वो ऐसा नहीं कि आपके साथ बहुत ज्यादा आपको दुख दे, तकलीफ दे, क्योंकि जब भी आप फीलिंग्स करते हैं, अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं, 12 चक्रा की मैंने बात ही नहीं करी, सिर्फ 7 चक्रा पर भी जब आप काम करते हैं, जब आप रेकी को सीखते हैं, जब आप अपने 21 बॉडी पार्ट्स के ऊपर, सॉरी 24 बॉडी पार्ट्स के ऊपर जब आप 21 दिन तक मेडिटेशन करते हैं, 21 दिन तक उनकी हीलिंग करते हैं, कम से कम 21 दिन होता है, मैक्सिमम आप 3 महीना करना ही चाहिए, जो मैं यहाँ पर सिखाती हूँ। मैं सभी को बोलती हूँ कि कम ज्यादा से ज्यादा आप 3 महीने उसको करें। हाँ, ऐसा होता है। अभी किसी का मैसेज आया है, गार्गी जी है शायद से। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन आप उसको बहुत, आप उसको हीलिंग्स के साथ भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं अभी आपको यही बता रही थी कि जब हम लगातार 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं 21 डेज तक, और मैं बोलती हूँ कि 21 डेज तक नहीं करिए, आप उसको कम से कम 3 महीने करिए, बट आप कम से कम 21 डेज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उससे कम तो नहीं करिए, कम से कम 21 डेज तक करिए, मैक्सिमम अगर आप करना चाहें तो 3 महीने तक करिए। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी की ऊर्जा, जब आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, आपकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती है, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है किसी भी तरीके, चाहे वो वशीकरण के थ्रू हो, चाहे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, किसी ने आपके ऊपर कोई स्प्रेड भेजी हुई है, कुछ भी, वो क्या होता है, धीरे धीरे अपनी जगह वहां से छोड़नी शुरू हो जाती है, और फिर धीरे धीरे वो चीज आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। इसका बड़ा ही अच्छा उदाहरण आजकल बड़ा ही चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कि वो एक ग्लास लेते हैं, एक ग्लास के अंदर बहुत सारी मिट्टी डालते हैं, एक ग्लास के अंदर सबसे पहले पानी डालते हैं, पानी के अंदर मिट्टी डालते हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर आपके पास में एक ग्लास है या एक बाल्टी है, एक बाल्टी को इमेजिन करिए सभी लोग, कि एक बाल्टी है आपके पास, उसके अंदर आपने बहुत सारी पानी डाला हुआ है, आधी बाल्टी आपकी भरी हुई है पानी से, आपने उसके अंदर मिट्टी डाल दी है और आपने उस मिट्टी को पूरा मेल्ट कर दिया, तो वो पानी कैसा हो गया, बहुत ही गंदा हो गया। अब आपने क्या करना है, उसके अंदर पानी डालनी है, अपनी इमेजिनेशन में आप उसके अंदर पानी डालें, आप उसके अंदर पानी डालेंगे तो वो मिट्टी का पानी और ऊपर 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 हो रहा है, ठीक है। यानी कि अभी तक आपकी अंदर से नेगेटिविटी नहीं गई है, अभी तक नेगेटिविटी है, आप उसमें पानी डाल रहे हैं, पानी मतलब कि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिविटी यानी कि आपकी हीलिंग्स, आप कुछ भी अच्छा हीलिंग कर रहे हैं, कुछ पाठ पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है आप उस नेगेटिव एनर्जी के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है ना वो नेगेटिव एनर्जी, लेकिन आप उसके अंदर लगातार, लेकिन आपने हार नहीं मानेंगे और आप लगातार उसको करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा ना, एक टाइम के बाद वो पानी का फ्लो नीचे आएगा, वो पानी वहां से नीचे गिरेगा और वो मिट्टी भी सारी बाहर निकलती चली जाएगी, आप उसमें डालते ही जा रहे हैं, 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 और एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल साफ पानी हो जाएगा, उसके अंदर किसी तरह की कोई मिट्टी नहीं होगी, वो पूरी तरीके से सकारात्मकता, पूरी तरह से पॉजिटिव वाटर हो जाएगा, तो हम हीलिंग वाटर भी कहते हैं, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से उसकी नकारात्मकता बाहर निकल गई है और पूरी की तरीके से वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हीलिंग्स भी तो वही काम करती है ना हमारे साथ में, अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, किसी के ऊपर कुछ किया कराया है, कोई बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति है, जब आप उसके साथ में उसको बार बार हीलिंग्स किसी भी रूप में आप उसको हीलिंग दे रहे हैं, शब्दों के रूप में दे रहे हैं, पूजा पाठ के रूप में दे रहे हैं, मंत्रों के रूप में दे रहे हैं, एनर्जीज के रूप में दे रहे हैं, कोई भी मोडालिटी के रूप में आप उसके साथ वो काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, एक टाइम के बाद वो चीजें एकदम से सही हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। अगर किसी ने आपके साथ
बिल्कुल करना होगा आपको पर 7 चक्र। अगर किसी ने आपके साथ में कुछ इस तरीके की नेगेटिव वो डाल दिया है, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है, तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम से हार माननी है, क्योंकि वो प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन वो प्रोसेस सही होता है और उसका आपको रिजल्ट भी मिलता है। ठीक है, तो वॉलेट फ्लेम रेकी एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग मोडालिटी है। इसके अंदर जब भी आप लोग हीलिंग्स करेंगे, जो इसके अंदर हम आपको सिंबल्स सिखाएंगे, तो बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं। जब आप उन सिंबल्स के साथ अपनी हीलिंग करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी हीलिंग के अंदर भी फर्क आएगा और आपकी खुद के आत्मविश्वास के अंदर फर्क आएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर फर्क। तो वॉलेट फ्रेम रेकी बनाई ही इसलिए गई है क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे हीलिंग करते हैं, हीलर्स होते हैं, बहुत जल्दी उनके ऊपर साइकिक अटैक भी पड़ जाता है कई बार। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि अगर कभी किसी कारणवश आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो है, या सामने वाली एनर्जी थोड़ी सी हाई है, या फिर किसी कारणवश आप नहीं अपना प्रोटेक्शन नहीं ले पाए, या फिर कभी कभार कर्मा बाउंस बैक होता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के साथ में जो भी हीलिंग्स करते हैं वो बार बार बीमार हो जाते हैं, बार बार उनको इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ सीखने के बावजूद भी उनके जीवन में कोई ना कोई परेशानियां आती चली जाती हैं। तो उसी चीज के लिए ये बनाया गया है कि जो भी हीलर्स होते हैं, जब वो इन सिंबल्स को यूज करके अपनी प्रोटेक्शन लेके जब वो ये काम को करते हैं, तो उनके ऊपर कर्मा बाउंस बैक नहीं होता है, उनके साथ में किसी तरह की कोई उनकी हीलिंग मोडालिटी, उनकी जो हीलिंग की जो पावर्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं और वो उसको बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो इसीलिए वॉलेट फ्लेम रेकी को एकदम पावरफुल माना गया है। और साथ ही जब हम इसके 7 चक्रा के साथ साथ जब हम 12 चक्रा के ऊपर काम करते हैं, तो और ज्यादा आप उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, और जितनी ज्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हाई होगी, उतना ही ज्यादा आप हीलिंग मोडालिटी के अंदर काम कर सकते हैं। उस परमात्मा के साथ अगर आपका कनेक्शन हाई होगा, तो आप उस चीज को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए। वॉलेट फ्लेम रेकी आईविन मोर जी ने बनाई थी। उनको मदर क्वाई नेम के संरक्षण में रहकर मदर क्वाई नेम ने उनको 40 सिंबल्स का अट्यूनमेंट दिया था, और फिर उन्होंने इसके ऊपर काम करा था, और धीरे धीरे ये सिंबल्स मार्केट में आए, लोगों ने इसको इस्तेमाल करा, इसके ऊपर हीलिंग्स की गई, और जब ये पूरी तरीके से इस चीज के ऊपर काम हो गया, तब ये धीरे धीरे अब अधिकतर लोग इसको जानने लगे। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो वॉलेट फ्लेम रेकी के अंदर लोग सिंबल्स नहीं करवाते हैं, वो सिंपल आपको डायमेंशन करवाते हैं, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, या फिर उनको ऐसे भी आप बोल सकते हैं फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, 4 फेजेस के रूप में आपको वो लोग करवाते हैं, जिसके अंदर केवल और केवल आपको मेडिटेशन ही करवाया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको उस तरीके से सिखाऊंगी जिस तरीके से इसका हिस्ट्री ऑफ वॉलेट फ्लेम रेकी, जो कि मदर पॉइंट ने आईवी मोर जी को सिखाई थी, एग्जैक्ट वैसे ही 40 सिंबल्स, उसी तरीके से 40 सिंबल्स को आप चाहे तो लेवल्स के नाम दीजिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, हर लेवल के अंदर आपके 10 10 सिंबल्स आएंगे, और उन्हीं के साथ साथ आपको एक मेडिटेशन भी सिखाया जाएगा ताकि आपकी पावर्स इनहेंस हो और आप आगे चल के इसको बेहतर तरीके से काम कर सकें। ठीक है, अब देख लीजिए, दिस मोडालिटी वाज अ वार्म कंपैशनेट फील टू इट एज मदर क्वाइनिंग इज द गॉडेस ऑफ कंपैशन, हर कूलर इज गोल्डन वॉलेट द कलर ऑफ हीलिंग एंड प्रोटेक्शन। बेसिकली ये हम क्यों करते हैं, ये हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम वॉलेट फ्लेम रेकी हमारे को हायर प्रोटेक्शन दे। जैसा कि मैंने बोला कि अगर हम लोग हीलिंग मोडालिटी के अंदर होते हैं, हम हीलिंग्स करते हैं, कर्मा बाउंस बैक होता है, सामने वाले की नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाती है, किसी भी कारणवश अगर आपका ऑरा वीक है, कमजोर है, या आप बीमार है लेकिन आपको काम करना है, कभी कभी हमारे पास अपने लिए समय ही नहीं होता, हम सिर्फ दूसरों को देते ही चले जाते हैं, उसके कारण भी हमारा ऑरा वीक हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन पे हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हम वॉलेट फ्लेम रेकी का इस्तेमाल करते हैं, वॉलेट फ्लेम रेकी को यूज करते हैं। ठीक है,
वॉलेंट्री रेकी ऑल्सो नोन एज अ क्वाइनिन रेकी बाय ईवी मोरे, ठीक है। वॉलेंट्री रेकी क्लियर ऑलवेज ईगोस एंड लीव बिहाइंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। यहाँ पर हार्ट शेप में इस तरीके से बना हुआ है, ये इसलिए बना हुआ है ताकि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके हर प्रकार का जो ईगो है उसको बाहर निकालते हैं। क्योंकि मदर क्वाइनिन कौन है, मदर क्वाइनिन क्या है, इज अ गॉडेस ऑफ कंपैशन, वो एक करुणा की देवी है, ठीक है। उनके मन में सबके लिए करुणा है। बेसिकली वो क्या है, वो एक वैसे तो देखो उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इंडिया में उनको हम लोग बोलते हैं माँ तारा के नाम से उनको जाना जाता है। कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि अभी भी इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जब वो पैदा हुए थे, तो वो एक बेटी भी पैदा हुई थी। जब वो बेटी के साथ जब उनको अदला बदली की गई थी, और जब कंस को पता चला कि उनकी आठवीं संतान एक बेटी है, तो वो कारागार में आए थे। जैसे ही उन्होंने उस बेटी को उठा के मारा था, तो वो बेटी उनके हाथों से फिसल के गिर गई थी, और उसने मतलब हवा में आ गई थी, और उसने बोला था कि तू मुझे मारने वाला कोई नहीं है, तुझे मारने वाला दुनिया में जन्म ले चुका है। तो वो जो लड़की थी, जो बेटी थी, उसको भी उनको वो लोग बोलते हैं, अभी इस चीज के ऊपर काम चल रहा है कि वो भी मदर, वो मदर क्वाइन नहीं थी, ठीक है। कोई उनको गॉडेस तारा के रूप में जानता है, माँ तारा के रूप में जानता है, और कोई लोग उनको बोलते हैं ये चाइनीज गॉडेस। बेसिकली इंडिया में इनका अभी तक ऐसा कोई मंदिर नहीं है, लेकिन चाइना के अंदर इनको बहुत पूजा जाता है। इनकी इनका प्रॉपर तरीके से मंदिर है। वहां पे बोला जाता है कि जिन लोगों को बेबी नहीं हो रहा होता, अगर वो मदर क्वाइनिन को पूजा पाठ करती हैं, उनको इन्वोक करती हैं, उनका मेडिटेशन करती हैं, उनको प्रेयर करते हैं, तो उनको बेबी होने में इजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो करुणा की देवी है, वो माँ है, वो अपने बच्चों की दर्द को नहीं सुन सकती है। गॉडेस जैसे वो बुद्धा बुद्धिज्म से बिलोंग करती थी, उनका जब उनका मोक्ष की समय आया, तो उनको बहुत सारे लोगों की दर्द की आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज सुनाई दी, तो वो रुक गई। उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसी संसार में रहूंगी, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं यहीं पे रह के सभी लोगों की सेवा करूंगी। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुख में होता है, बहुत तकलीफ में होता है, तब वो मदर क्वाइनिंग को इन्वोक करता है, तो मदर क्वाइनिंग उनको हेल्प करने के लिए चले आते। अब नाम उनको चाहे कोई भी दे दीजिए, लेकिन अगर आप उनको यहाँ भी बैठ के इन्वोक करेंगे, तो वो यहाँ भी बैठते हैं। जैसे हम एंजल थेरेपी करते हैं, जहाँ पे हम एंजल्स को बुलाते हैं, एंजल्स कहाँ हैं, लेकिन एक ही टाइम पे अगर 50 लोग भी एक ही एंजल को इन्वोक कर रहे हैं, अगर मैंने बोला आर्कएंजल माइकल प्लीज कम एंड हील मी हेल्प मी, आपने बोला आर्कएंजल माइकल प्लीज कम एंड हील मी हेल्प मी, दूसरे व्यक्ति ने, ऐसे 50 लोगों ने अगर सिर्फ आर्कएंजल माइकल को बुलाया, तो 50 के 50 लोगों के पास उनकी मदद करेगा। क्योंकि ये एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है। इनका कोई गिनती नहीं है, इनका कोई इनका कुछ भी नहीं है, बस इनके लिए सिर्फ एक ही चीज है, आपकी सद्भावना, कि आप किस तरीके से अपनी भावनाओं के अंदर उनको बुलाते हैं, आप किस तरीके से उनको प्रेयर करते हैं, और वो आपके पास आती हैं। और उससे भी बड़ी बात होती है आपकी मंशा, आपकी मंशा कितनी प्योर है, आप जितनी प्योरिटी के साथ उनके साथ कनेक्ट होंगे, वो एनर्जी भी उतनी ही प्योरिटी के साथ आपके साथ काम। हाँ, ये सब हम सीखेंगे। किसको इन्वोक करना है, एंजल्स को इन्वोक करना है, इन द क्वाइन, ये सब हम सीखेंगे, ये सारा कुछ हम सीखेंगे जब हम क्लास करेंगे, तब हम ये सारा कुछ आपको, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा बहुत इनके अलग अलग नामों से वॉलेट फ्लेम रेकी को फ्लेम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, फ्लेम ऑफ फ्रीडम के नाम से भी इनके आप मार्केट के अंदर बड़े तरीके के कोर्सेज आते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरगिवनेस के नाम से भी आप इनके कोर्स को डेवलप कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं मिल जाएगा अगर आप इसको सर्च आउट करेंगे, तो ऐसे कोर्स है। तो वो सारा कुछ क्या है, वो सब वॉलेट फ्लेम रेकी, ठीक है। मैंने जैसा आपको पहले भी बोला कि ये एक बहुत ही पवित्र अग्नि है, जिसके अंदर हम जैसे एक सकारात्मक पवित्र अग्नि है, जिसके अंदर हर प्रकार की नकारात्मकता को
भस्म कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। जैसे जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब इस बच्चा इस दुनिया में आता है, तो उसके सारे एनर्जी सेंटर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। हर व्यक्ति के अपने एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं हमारे 24 बॉडी पार्ट्स। जो हमारे 24 बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या है? वो हमारे 24 एनर्जी सेंटर्स हमारे शरीर पर, और हम वहीं से एनर्जी को रिसीव करते हैं अपने शरीर पर। जब एक बच्चा इस संसार के अंदर आता है तो वो एक प्योर सोल होता है, बिल्कुल प्योर सोल होता है। कार्मिक बंधन अलग चीज है कि उसके अपने कार्मिक जीवन में क्या वो करके आया है, जिसके कारण उसको क्या जन्म मिलता है, उसके ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं, लेकिन वो होता उस वक्त में क्या है, वो एक प्योर सोल होता है, एक प्योर आत्मा होती है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, अपने आसपास के माहौल को देखता है, अपने आसपास के माहौल से काफी कुछ चीजें वो सीखता है, जैसा मैंने बोला कि उसके कार्मिक बंधन होते हैं, उसको उसी तरीके के लोग मिलते हैं, उसी तरीके के आसपास का एटमोसफेयर उसके जीवन में आता है, और उसी तरीके की चीजों को वो देखकर सुनकर पढ़ के बड़ा होता है। कई लोगों का तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में, अधिकतर लोगों के साथ में सब कुछ अच्छा नहीं होता है। आसपास की चीजों को देखकर लालच करना सीख जाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं, और बहुत सारी नेगेटिव चीजों को वो धीरे धीरे करके ग्रास्प। कौन पेन चला रहा है? प्लीज आप पेन ना चलाएं। आगे ऐसे ऐसे करके वो उन चीजों को सीख लेता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी मानसिकता भी वैसी वैसी बन चुकी है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके आपकी जो 24 बॉडी पार्ट्स की जो एनर्जी सेंटर है, जो आपके शरीर के अंदर 24 एनर्जी सेंटर है, वो बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। और जब वो ब्लॉक होते हैं, तभी आपके जीवन में ये सारी दुख तकलीफें, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बीमारियां, हर चीज आपके जीवन में वो चीजें आने शुरू हो जाए। ठीक है, तो उन चीजों को खोलना, उन चीजों को खोलने के लिए तो हम जब देखी सीखते हैं, तो हम सबसे पहले 24 बॉडी पार्ट की करते। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक नल है, एक नल के अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाती है, मतलब कि अगर कोई कूड़ा करकट फंस जाता है, तो वो पानी आपका आगे की तरफ नहीं जाएगा, उसको खोलना पड़ेगा। जब आप उसको खोलेंगे तभी आपका पानी आगे जाएगा। उसी तरीके से जो आपके अंदर एनर्जी सेंटर्स हैं, जहां पर ब्लॉकेज आ चुकी है, जब आप उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे तभी आप वो आगे बढ़ पाएंगे, अध्यात्म की तरफ भी और अपने खुद के काम की तरफ भी। क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं है, अगर आप अध्यात्म की तरफ नहीं भी जा रहे, अगर आपका मन शांत नहीं है, तो आप एक नॉर्मल जिंदगी भी ढंग से नहीं जी पाए। तो उस नॉर्मल जीवन को जीने के लिए भी आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, अपने अंदर, अपने अंदर का बदलाव करना पड़ेगा, अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल से शब्द में आप कह सकते हैं, अपने आप की यात्रा। हम लोग बाहर की यात्रा करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर घूमते हैं, बाहर नजारे देखते हैं, और वही चीजें हमारे अंदर होती हैं। क्या आप में से कभी किसी ने अपने अंदर की यात्रा करने की कोशिश करी? क्या आपको मालूम है, मेडिटेशंस के माध्यम से हम करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है कि मेडिटेशन के माध्यम से भी वो लोग चीजों को विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता? बिकॉज ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, और वो एकदम से नहीं जाती हैं, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके वो चीजें बाहर निकलती हैं। चलिए एक बार हम सब अपने अंदर की यात्रा करते हैं। अपने अंदर की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग अपने अपनी दोनों हाथों को ले, अपने हाथों की उंगलियों को अपने कानों पे रखें और अपनी आंखें बंद करके और अपनी अंदर की तरफ देखें। चलिए सभी लोग अपनी उंगलियों को कस के बंद करेंगे ताकि आपको कुछ बाहर की आवाज सुनाई ना दे, और अपने अंदर झांकेंगे, और जो आपकी सांसें हैं, जो आपकी सांसें चल रही हैं, अपनी सांसों की आवाजों को सुनने की कोशिश। ठीक है, चलिए करिए।
बाहर का कुछ नहीं सुनना, सिर्फ अपने अंदर का सुनना। चलिए अपने हाथों को हटा दीजिए। सुनाई देगी आपको मेरी आवाज? सुनाई देगी आवाज? यस मैम। कैसा महसूस हुआ जब आपने अपने अंदर की यात्रा करी? अच्छा फील हुआ। अच्छा फील हुआ? किसने बोला ये अच्छा फील हुआ? रेज करेंगे अपना हैंड ताकि मैं आपको देख पाऊँ। हाँ, जिंगुरु की आवाज आई। हाँ, आवाजें आती हैं अपने अंदर। हाँ, प्लीज अपना आप हैंड रेज करेंगे। शशि कुमार जी, आप बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, सिर्फ आवाज आई। कौन सी आवाज आई? कौन सी? हाँ बोलिए तविशा जी। मैम मुझे तो आवाज आई और मुझे ओम की आवाज आई और आई 100% आई और वो आती भी है। हाँ कुछ भी आती है, लेकिन वही आवाज देखो कोई भी हो सकती है, बट वो चीज आपको इंटरनली एक हैप्पीनेस, एक पीस, एक खुशी महसूस होती है, एक शांति का अनुभव होता है जो हाँ मेन। हाँ मैंने 1-2 मिनट के अंदर ही ऐसा हो गया, बिल्कुल शांत। तो मेन जो मेरा मकसद था आप लोगों को बताने का वो यही था कि अंदर की आवाज यानी कि मन की शांति, मन की शांति। जो हम बाहर से मेडिटेशन हम करते रहते हैं करते रहते हैं, तो बेसिकली जो सही मायने में मेडिटेशन होता है वो यही होता है कि आपको अपने अंदर की यात्रा करनी आनी चाहिए। हाँ जी बताइए दिलेश्वर पांडे जी। हाँ जी दिलेश्वर पांडे जी बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को, कैमरा ऑन करिए, तभी मैं आपको सुन पाऊंगी। शांत फील हुआ मैडम, हाँ शांत फील हुआ? अंदर से ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी कुछ टाइम पहले मैं कुछ ये पानी पिया था, मतलब कोल्ड ड्रिंक पिया था, अंदर ऐसा लग रहा था बुदबुदाहट, मतलब अंदर का मतलब जो ये है आवाज वो सुनाई दे रहा था मेरे को। अंदर की आवाज यानी कि वही, कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर की आवाज को सुनिए और उन भावनाओं को महसूस करेंगे। जब भी आप करें, एवरीडे करें, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, मैंने तो यहाँ पे शायद कुछ सेकंड ही आपको करवाया। आप जब भी करेंगे आपको अपने अंदर एक अच्छी सी फीलिंग होगी, एक अच्छी सी एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, एक मन की शांति का एहसास होगा। ठीक है, जब भी आप लोग कोई बहुत ज्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है, किसी बात को लेके बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। इससे आपको तुरंत शांति महसूस हो मन के अंदर। ठीक है, तो वॉलेंस में रेकी का जो मकसद है वो यही है कि एक तो आपके मन को शांति मिले, दूसरा आप लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बढ़े, प्लस आपकी हीलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। डॉक्टर समीता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? दो आपको अपने मन की शांति का महसूस है? हाँ चलिए मैं बताती हूँ अभी आपको, दीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर। कहने का मतलब आप मन की शांति, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आपकी हीलिंग अच्छी हो, आपके पावरफुल हीलिंग हो, आपकी जो भी काम आप कर रहे हैं, आप इन सिंबल जो हम आप यहाँ पे जो हमारे 40 सिंबल जो आप सीखेंगे वो आपको और भी ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। ठीक है, और जैसे कि अभी आपने पूछा ये क्वेश्चन कि आप बिल्कुल न्यू हैं, कि
क्या आप ये कोर्स को कर सकती हैं? तो देखिए, इस कोर्स को करने के लिए आपके पास कम से कम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक हीलिंग के लिए ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास लेवल 3 की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इसको एज अ टीचरशिप पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास लेवल 5 यानी कि ग्रैंड मास्टरशिप की डिग्री होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रेकी के अंदर हो, आपने अगर कोई भी मोडालिटी को सीखा हुआ है, जैसे लामा फेरा हो गया या और बहुत सारी मोडालिटीज होती हैं, ठीक है, तो अगर आपने प्राणिक हीलिंग, लामा फेरा वगैरह वगैरह कुछ भी सीखा हुआ है और आपने उसके अंदर ग्रैंड मास्टरशिप या फिर मास्टरशिप दोनों में से कुछ भी करा है तो आप इसको सीख सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं सीखेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सीखेंगे, सीखने के लिए आप डायरेक्ट भी सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उसके लिए पहले आपको, जैसे हम यहाँ पे सिखाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे मेडिटेशन करवाती हूँ, मैं मेडिटेशन करवाऊंगी आप लोगों को। हाँ, आप इसमें अपनी सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा। आप साइड बाय साइड सीखेंगे नहीं तो, अगर आप अगर ये कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको साइड बाय साइड सीखना। क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि जैसे अगर आप अपने 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग, जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया आप करते हैं, या 7 चक्र के ऊपर काम करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको, मतलब पहले अपनी ब्लॉकेज बाहर निकालनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट ये सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम रेकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करते हैं तो लेवल 1 और 2 में जो हम आपको सिंबल्स करवाते हैं वो तो बहुत ही हैवी सिंबल्स नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ही पावरफुल सिंबल्स होते हैं। तो जब तक आपको अपने अंदर की क्लीनिंग नहीं आप करेंगे, तब तक आप ऐसे हैवी सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले आपको वो अपनी क्लीनिंग करना जरूरी है, या फिर अगर आपने कोई भी और मोडालिटी सीखी हुई है तो आपने वहां पर अपनी क्लीनिंग, इंटरनल क्लीनिंग आप करके आए तो आप ये सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको शुरुआत से करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको सीखिए। बाकी देखिए, जगह बहुत सारी जगहों पे इसको डायरेक्ट भी सिखाया जाता है। लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट आपको सिखाएंगे, मैं भी आपको सिखा सकती हूँ, मैं भी आपको बोलूंगी कि आप, मैं आपको, चलो लेवल 1 और 2 के सिंबल्स भी, आपको अटूनमेंट भी दे दूंगी मैं उन सिंबल्स का आपको, लेकिन उसे पर, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक उस चीज का असर आपको नहीं मिलेगा। और उससे फिर आपको हो सकता है कुछ आपकी लाइफ में कुछ चेंज, मतलब कुछ, आप डायरेक्ट अगर आप एकदम से एनर्जी के साथ एकदम से हाई लेवल पे काम करेंगी तो उस चीज से अनबैलेंस भी हो सकती है चीजें। तो बेटर है कि आप उसको सिस्टमाइज तरीके से सीख, तो वो बेहतर। बाकी ऐसा कोई मेरे को वो नहीं है, आप सीखना चाहेंगी तो मैं तो सिखाऊंगी, मैं सिखाने के लिए ही बैठी हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि कोई लालच वाली बात नहीं है कि नहीं आप सीखिए तो मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरा है कि जो भी मेरे स्टूडेंट बने वो अपने जीवन को अच्छा बनाए, अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोगों का जीवन अच्छा बनाए, और जब आप किसी और को सिखाएं तो उसको भी बेहतर तरीके से सिखाएं, ठीक है? हाँ, आप मेरे से सीख लीजिएगा, चलिए कोई नहीं, ये तो हम बात हो जाएगी, बाद में आप ऑफिस में बात करिएगा, मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मैं आपसे, ठीक मैम एक क्वेश्चन है मैम, है? हाँ बताइए। तो विशा जी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ तो मुझे बताएंगे ये जो मॉडेलिटी है ये मतलब किस लिए है? थोड़ा सा एक शॉर्ट में ये कुछ बता दीजिए। ये मोडालिटी किस लिए है? ये जैसे कि एक पावरफुल मोडालिटी है, आपने सीखा नहीं है पहले वॉलेट में, नहीं वॉलेट नहीं किया था मैंने, वो आपने मैग्निफाइड किया था, भी नहीं किया। वॉलेट, ये किस लिए है? हाँ वॉलेट नेम रहेगी, मदर क्वाइनिम जी के जरिए ये उन्होंने इसका शक्तिपात दिया था इनको, क्या नाम है इनका, आईवी मोरे, ठीक है, आईवी मोरे को उन्होंने इसका शक्तिपात दिया था, और उसके जरिए ये मोडालिटी धीरे धीरे करके आप सभी को मिल गई। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं अध्यात्म लेवल पे हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए। जितना ज्यादा हम अपनी खुद की क्लीनिंग करते हैं, जितना ज्यादा हम उन सिंबल्स के साथ कनेक्ट होकर काम करते हैं, वो एक पावरफुल, आपको मतलब एक अच्छा हायर लेवल पर एक पावरफुल तरीके से आप उस काम को कर सकते हैं। आपकी पावर को, इंटरनल पावर को इनहेंस करने के लिए हम ये वॉलेट फ्लेम रेकी करते हैं। जैसे आपने रेकी तो सीखा ही है, आप देखते हैं ना कि जब हम अपनी सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से तो हम कहाँ डालते हैं? या तो हम धरती में जाकर उसको शुद्ध करते हैं, या फिर हम उसको
वॉयलेट फ्लेम के अंदर डालते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे वॉयलेट फ्लेम को हम यूज ही इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन, हर नहीं, प्रकार एक्चुअली मैम आप सही कह रहे हो। जैसे हमें थीटा में भी सिखाया था, हम सारी नेगेटिविटी को वॉलेट वॉलेट एनर्जी पे ही उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं नेगेटिव में। हम उसे नेगेटिव छोड़ते ही नहीं है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि वॉलेट फ्लेम अपने आप में ही एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और उसके अंदर आप जितनी भी नेगेटिविटी को डालेंगे वो सब भस्म हो जाती है। जैसे कि आप हवन करते हैं अपने घर के अंदर, जब आप हवन लगाते हैं अपने घर के अंदर क्यों करते हैं, आप उसके अंदर शुद्धि करते हैं ना, पूरे घर का वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो उसी तरीके से जब आप इसके साथ आप जब काम करते हैं तो वो भी एक प्रकार के एक शुद्धिकरण है आपका, पूरी तरीके से शुद्ध। और जो इसमें जो सिंबल्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल सिंबल्स हैं आपका। ब्लैक मैजिक के अंदर ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आता है कि वो लोग रेकी सीखने के बाद भी अगर ब्लैक मैजिक जैसा कोई केस आता है तो नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम बोलते हैं आप साइकिक अटैक निकालिए, साइकिक सर्जरी करिए, और हम बोलते हैं देखो आप अपने लिए कर सकते हो, लेकिन जब आपको दूसरे का निकालना पड़ता है ना तो आप नहीं निकाल पाते। अपने लिए आप कैसे कर सकते हो, आप अपने लिए कर सकते हो अपनी हीलिंग्स को बढ़ा। अगर किसी के ऊपर कोई साइकिक अटैक हुआ हुआ है तो वो क्या करेगा, अपनी हीलिंग को बढ़ाएगा, अपने 7 चक्रास के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। तो आप अपने लिए तो वो ठीक से कर पाते हो, लेकिन जब आपको किसी और का करना पड़ता है तो शायद से वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। शायद से आप खुद तो अपनी हीलिंग कर सकते हो, अपने आप को समय दे सकते हो, पर सामने वाला व्यक्ति आपके उतना समय नहीं दे पाता है अपने आप को। और अगर आप उसकी तरफ से हीलिंग कर भी रहे हो तो वो उसके ऊपर उस चीज का असर इससे नहीं होता क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर रहा। तो इस वजह से जब आप इन सिंबल्स को यूज करते हैं तो वो एक पावरफुल, उससे ज्यादा हायर पावरफुल आपको उसमें मिलती है। तो मैम जैसे कि अभी हमने रैकी में सीखा था, जैसे आप ही ने बोला साइकिक अटैक वगैरह, तो हम क्या उसे दूसरों की नहीं निकाल सकते? मैंने नहीं, तो तो निकाले हैं। इसलिए है आप दूसरों का साइकिक अटैक निकालते हैं साइकिक अटैक में। और एक प्रकार का ब्लैक मैजिक अलग चीज होती है। साइकिक ओके, मैं अटैक समझ क्या, गई, समझ साइकिक अटैक एक डीप हीलिंग है। गई, मैं समझ गई, बिल्कुल ठीक है मैम। हाँ जी बताइए शशि जी। गुड हाँ हेलो, गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। मैम एक्चुअली मुझे रेकी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये मेरा मतलब मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, लेकिन मैंने आपका एक कोर्स परचेज किया है मैम 2-3 दिन पहले, ग्रैंड मास्टर रेकी का। अच्छा। तो मैम, तो मैंने वो ऑलरेडी कोर्स परचेज किया हुआ है, तो वो उसका आप ऑनलाइन क्लास कब लेंगे मैम? अभी उसके तो पता नहीं, अभी शायद से अभी तो नहीं है जो ऑनलाइन क्लास। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, क्या नहीं बोलूं? अभी उसकी ऑनलाइन क्लास तो मुझे नहीं पता, अभी तो ऐसा कुछ उसकी प्लानिंग नहीं हुई है। मे भी ठीक 2-3 महीने तो अभी लगेंगे उसको आने। ठीक है। तो मैम मुझे ना आपका पुराना सारा वीडियोस मिला हुआ है, तो मैं उसको देख के सीख सकती हूँ क्या? हाँ आप उसको देख के सीखेंगे, अटूनमेंट आपको बाद में मिलेगा लेकिन आप अभी सीख सकती हैं उसको देख। तो मैम आपने एक, मैंने आपका पहला क्लास किया था उसमें आपने कहा था कि 24 बॉडी पार्ट्स के लिए आपको पहले अट्यूनमेंट देंगी आप, उसके बाद आप बोली 24 बॉडी पार्ट आप कर सकते हो, तो मुझे तो अट्यूनमेंट नहीं मिला, तो फिर मैं कर सकती हूँ? मैंने आपको बोला कि आप सीख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो है क्या, लेकिन जब तक आपको अटूनमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो फिर ठीक मुझे है। 3 महीने वेट करना पड़ेगा लेकिन आप अभी? 24 बॉडी पार्ट्स को कर सकते हैं बिना उस सिंबल के, सिर्फ व्हाइट लाइट को विजुलाइज कर। तो मैम जब आपका ऑनलाइन क्लास होगा तो फिर मुझे उस बैच में एडमिशन मिल जाएगा ना, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी खरीदा हुआ है हाँ आपका। आपको मिल जाएगा, रिपीट होगा ना, आप कर सकते हैं। तो मैम मैं बिना रेकी के, ग्रैंड मास्टर रेकी के ये कोर्स कर सकती हूँ मुझे अभी ये वाला अगर कोर्स? आप ये कोर्स करना चाहती हैं तो पहले आपके पास जो वीडियो है उनको देखिए, लेवल 1 2 3 के वीडियोस तो कम से कम आप देखिए, ठीक जी है। तो आप वो वीडियोस देखने के बाद इसको ज्वाइन करिए। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता मैम, कुछ कोई सिंबल की, बस चौकोड़े सिंबल के बारे में पता है और कुछ भी नहीं पता मुझे। चौकड़े सिंबल का अटूनमेंट मिला है आपको या वैसे ही आपके नहीं पास? नहीं मैम, बस यूट्यूब पे देख करके, कुछ कभी मुझे अटूनमेंट नहीं मिला अभी। हाँ जैसे मैंने उसमें आपको बोला ना, जैसे मैं 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करवाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं अटूनमेंट पहले देती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आप चौकोरे सिंबल डाल के पहले 1 वीक तो आप व्हाइट लाइट से अपनी हीलिंग करें, उसके बाद आप चौकोरे सिंबल से को डाल के अपनी हीलिंग करेंगे। क्योंकि अगर आप सिंबल डाल के अपनी हीलिंग करते हैं ना तो उसकी एनर्जी अच्छी होती है, लेकिन व्हाइट लाइट की भी अच्छी होती है, इंटेंशन आप अच्छी डालिए उसके।
जी नॉर्मली लेवल वन के अंदर किसी भी तरह का कोई सिंबल नहीं सिखाया जाता। लेवल वन के अंदर सिर्फ आपको व्हाइट लाइट से ही सिखाया जाता है, बट मैं यहाँ पर सिखाती हूँ 1 वीक पहले आपको व्हाइट लाइट करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको चौकोर सिंबल से आपको हीलिंग सिखाती हूँ। लेकिन जैसे अगर आपके पास अट्यूनमेंट नहीं है तो आप व्हाइट लाइट को ही यूज करें, ठीक है। इंटेंशन पॉजिटिव रखेंगे, अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होगी तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बाकी सिंबल्स की देखो अपनी खुद की पावर होती है, 4.5 लाख मंत्रास की पावर होती है सिंबल्स के, तो इसीलिए वो बहुत हैवी होते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं, और हर तरीके के सिंबल्स बहुत प्रभावशाली होते हैं। आप कोई भी सिंबल्स पे काम करिए वो सारे प्रभावशाली। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, दिलेश्वर पांडे जी बताइए। ये कोर्स का ड्यूरेशन कितना है? और 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। चार्जेस, रिजेक्शन? हाँ मैं बता रही, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, इसके अंदर आपके प्रॉपर मेडिटेशन होंगे, डीप क्लीनिंग होगी आपकी वॉलेट फ्लेम के साथ में, आपको कुछ जैसे आर्कएंजल माइकल हो गए, आर्कएंजल राफेल हो गए, आपको इस तरीके से आपके जो गार्जियन एंजल्स होंगे उनके साथ भी आपको मेडिटेशन करना बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आपके चक्रास के ऊपर काम किया जाएगा, चक्रास यानी कि 12 चक्रास के ऊपर काम करेंगे। नॉर्मल हम 7 चक्रा के ऊपर काम करते हैं, बट यहाँ पर हम 12 चक्रा के ऊपर काम करते हैं। 40 सिंबल्स के साथ में आपको अटूनमेंट दिया जाएगा, हर लेवल के अंदर 10 सिंबल होंगे। आप वो 4 लेवल जिसको हम 4 फेसेस भी बोलते हैं, ठीक है, आप उसको 4 फेसेस के नाम से अगर आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे कुछ भी तो आपको वहां पे 4 फेसेस मिलते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस। यहाँ पर हम उसको लेवल बोलते हैं, आप फेस भी बोल सकते हैं। तो 40 सिंबल्स के साथ आपको वो दिया जाएगा और हर सिंबल के अंदर आपके पास में 10 सिंबल्स, ठीक है। ये कोर्स आपका स्टार्ट होगा 24 मई, यहाँ पे 22 लिखा है पर 22 से नहीं होगा, 24 मई से स्टार्ट होगा। और आपका जो टाइमिंग होगी वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात को 9 बजे है। 2 महीने का ये कोर्स है, आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी जूम पर, और आपको 2 साल के लिए ये जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी 2 साल के लिए वो वैलिड होंगी। आप 2 साल के अंदर कभी भी अपने नोट्स बनाकर अपने पास रखिए, क्योंकि तो आप जितना अपने नोट्स, हालांकि हम आपको यहाँ से पीडीएफ देंगे, सब कुछ देंगे, सिंबल्स भी देंगे, पीडीएफ भी देंगे, जितना होगा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी ना। लेकिन तब भी आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाए, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ता है, तो वो आपका काम है, वो आपको करना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। रिपीट फ्री 1, एक व्यक्ति उसको 2 बार रिपीट कर सकता है, मतलब कि एक बार तो आप सीखेंगे कोर्स और अगली बार आप उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह आपको सभी मिलेंगे, और यहाँ पे पेमेंट डिटेल है, यहाँ पर न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए 4,214, आफ्टर डिस्काउंट 3,158, और जो हमारे ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए आफ्टर डिस्काउंट 2,685, ठीक है। ये आपका बैंक आप यहाँ पर दे सकते हैं, ये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक का सारा इंफॉर्मेशन दे रखी है, और इन नंबर्स पर भी आप जब भी आप पेमेंट कर देंगे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, नहीं तो आप जो भी ऑफिस के नंबर्स हैं ये सारे ऑफिस के नंबर हैं, अगर आप नहीं बैंक के थ्रू नहीं दे रहे हैं तो आप यहाँ पर उनको कॉन्टेक्ट कर लीजिए कि आपने किस तरीके से पेमेंट देनी है, तो आप उनको दे सकते हैं, तो आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके अकॉर्डिंगली भी आप अपना पेमेंट दे सकते हैं।
बाकी आप कोर्स करेंगे, कोर्स करने के बाद आप खुद देखेंगे अपने अंदर जो चेंजेस होंगे, वो सभी चेंजेस आप खुद देखेंगे। इस चीज का पूरा विश्वास मेरी तरफ से है कि आपको बेहतर से मैं बेहतर सिखाऊंगी हर तरीके से। किसी भी तरह का कोई डाउट होगा वो पूरा का पूरा मैं क्लास में क्लियर करवाती हूँ। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मेरे से पहले कोर्सेज कर चुके हैं, अगर वो कुछ बताना चाहें कोर्सेज के माध्यम से कि हाँ भाई उनके सारे होते हैं क्लियर डाउट्स। मैम, मैं तो सबसे पहले बोलूंगी कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है एक्चुअली में। अच्छा आप ही देखे कि ग्रैंड मास्टर में मुझे जो सिंबल मिला था त्रिशाला, प्रैक्टिकली मैं उसे यूज करती हूँ। और सच बताऊं तो दो तीन लोग तो उससे बच के मतलब मरते मरते भी मतलब आईसीयू में थे, वो भी बाहर निकल गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये सिंबल इनका खुद का बनाया हुआ है, ग्रैंड मास्टर हाँ में इन्होंने खुद से वो सिंबल को डेवलप किया था। डेवलप किया मतलब मेडिटेशन के माध्यम से इनको मिला, फिर उन्होंने इसके ऊपर 40 दिन तक मेडिटेशन करा, उसकी सिद्धि सिद्धिकरण कह सकते हैं आप उसको। मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने फिर उस सिंबल को यूज करा। तो उसी नहीं मैम, तरीके आपकी जितनी भी गाइडेंस है ना मैम, वो गाइडेंस को मैंने फॉलो किया है, नो डाउट। क्योंकि शुरुआत तो मेरी आपसे ही हुई थी, अकल्ट साइंस में शुरुआत तो आपसे ही हुई थी। आप ही गाइडेंस को मैं आज तक देखती हूँ, आज तक मतलब मैं तो आप ही के पद चिन्हों पे चलना चाहती हूँ, सच्ची बताऊँ तो। थैंक यू सो मच। ये कहने का मतलब यही है कि जैसे अब इन्होंने अपना खुद का सिंबल बनाया है ना, जिसको इन्होंने नाम दिया त्रिशाल, इसके अलावा ये और भी सिंबल्स बना सकती हैं मेडिटेशन के माध्यम से। उसी तरीके से जब आप लोग भी ग्रैंड मास्टर शिप कर लेंगे, आप लोग भी अपने सिंबल्स बना सकते हैं, फिर उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए उनका 40 दिन तक उनको कह। वो सब मैं आपको सिखाऊंगी, वो सब तो मैं आपको यहाँ भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने मेडिटेशन करने हैं अपने सिंबल्स के साथ। लेकिन आपको अपने सिंबल्स कैसे बनाने हैं वो तो आपको ग्रैंड मास्टरशिप में ही आप उसके बाद ही आप बना पाएंगे। लेकिन हाँ, सिंबल्स के साथ मेडिटेशन कैसे करना है, उनके साथ आपको कनेक्शन कैसे बनाना है, वो सब मैं आपको हर क्लास में, हर जितनी भी मेरे होते हैं, जैसे मैग्नीफाइड हो गया, वॉलेट फ्लेम हो गया, मनी रेकी हो गया, करुणा रेकी हो गया, वो मैं सब में सिखाती हूँ, तो यहाँ भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो अब जैसे आप भी अपने खुद के बना सकती हैं सिंबल्स, अपने खुद के सिंबल्स बनाने के बाद आप उनके ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे ये उनके ऊपर काम कर रही हैं लोगों की के साथ उसको यूज कर रहे हैं, और जैसे कि उन्होंने खुद ही बताया कि दो तीन लोग आईसीयू से बाहर आ गए, तो इस तरह वो और भी सिंबल्स को बना सकती हैं और अपनी खुद की एक रेकी बनाकर मार्केट में प्रेजेंट कर सकती हैं, जैसा कि आजकल सभी लोग करते जा रहे हैं। मैम वैसे मैं जो भी रैकी, मैं भी जैसे रैकी टीच कर रही हूँ, तो मैं अपने सिंबल को पढ़ा रही हूँ आगे, मैं भी कर रही हूँ त्रिशाला को। हाँ, तो फिर उसको और पब्लिक क्योंकि करिए ताकि बच्चे। सबसे इस प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि उसको उसके ऊपर मेडिटेट करके उसको सिद्ध करना, बस। चाहे कुछ भी हो, हम मंत्र भी पढ़ते हैं तो उनको भी सिद्ध करना पड़ता है, कुछ किस सबको ही सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन अपना खुद का बनाने की बात अलग होती है ना, अपने खुद की बनाने की वो बात अलग होती है, कॉन्फिडेंस वो अलग होता भगवान है का खुद उसमें। का। जब आप एक्चुअली अपने मैम, हम खुद नहीं बनाते, वो भगवान की देन होती है, जैसे वो मुझे शिवा भगवान ने की दिया। होती है, लेकिन परमात्मा ने आपको चुना होता है ना उस चीज के लिए, परमात्मा ने आपको उस लायक समझा ना, तभी तो आपको चुना। बिल्कुल। और सच बताऊं, मेरे पास ऐसे कोई केसेस नहीं आते, लेकिन मेरे पास सारे मेडिकल केसेस आते हैं। जैसे कैंसर हो गया, सिजोफ्रेनिया अटैक का हो गया, जैसे मैं अभी वर्क कर रही हूँ कैंसर के लिए भी वर्क कर रही हूँ। बल्कि मैंने अपने, मैं सच बताऊं तो मैंने अपने डॉग को भी मरते मरते मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था मेरे डॉग को, और आज डॉग मेरे पास है, उसे भी मैंने त्रिशाला सिंबल से ही बचाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ जी डॉक्टर सुनीता जी बताइए। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बहुत समय बाद जोड़ रही हूँ, लेकिन बीच बीच में आपकी जो ये वेबिनार सुन लेती हूँ, और आपकी ओर से तो देने में कोई कसर नहीं होती, कसर हमारी ओर से होती है कि हम उसे प्रैक्टिस और ये हम करते नहीं है, लेकिन इतने डाउट्स क्लियर करते हैं कि मुझे तो याद नहीं है कि जो प्रॉमिस किया हमारा ग्रैंड मास्टर का कोर्स जो हुआ था, मैंने वो अटेंड किया था मैम का, और वो जो भी प्रॉमिस नंबर थे ना, उससे बहुत ज्यादा बार क्लासेस ही ली थी मैडम। I was so surprised that she had covered crystals and what not. So she's a big giver. Upasana ma'am really tries to teach. अगर 40 लोग हैं तो 40 से पूछ पूछ के, बल्कि हमें साइकिक हीलिंग के लिए उन्होंने वीडियो बनाने के लिए कहा था,
पूरी क्लास सोती रही उनको इतना उन्होंने उन्होंने कहा नहीं मैं सर मतलब एक तरह से थोड़ा यही कहा कि फिर सर्टिफिकेट नहीं मिला यू नो मोस्ट ऑफ अस मेड अ वीडियो एंड आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन अ वेरी बिजी डॉक्टर। मेरा ये कहना है कि जो भी सिखाती है मैडम वो बहुत बहुत अपनी पूरी ओर से उसमें कोई डाउट नहीं है और पूरा इलेबोरेट सिखाती है कहीं ओके शी डजंट कंफाइन हरसेल्फ टू बाउंड्रीज कि मेरे को तो रेकी सिखानी है क्रिस्टल तो आप वहां कर लीजिएगा। इस प्लेटफॉर्म की भी मैं बहुत तारीफ करूंगी गुरु जी ज्ञान के कोर्सेज। अच्छा राहुल जी भी है गुरु जी ज्ञान के कोर्सेज इतनी गजब है कि वो गिवर है बहुत बड़ा ये अमाउंट में कभी भी वॉलेट क्लेम नहीं मिलेगा। अलबत्ता शायद मैं अपनी व्यस्तता से मतलब आप लोग कहें अगर कभी जो ज्वाइन करके आपने तो ज्वाइन नहीं किया मेरी व्यस्तता के कारण शायद मैं नहीं कर पाऊंगी लेकिन फिर भी मैं मेरी बहुत बहुत कोर्सेज मैंने इसके ज्वाइन किए हुए हैं और इनकी रिकॉर्डिंग्स ये दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसमें कि अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन भी ले लीजिए तो आप उसके बाद उसमें लाइव क्लासेस में आने मिलता है वो बल्कि उसके भी वीडियोस मिल जाते हैं तो बहुत ही गजब। और कोई आप ये नहीं है कि आप एज अ सेकेंडरी सिटीजन की तरह हो कि आप तो रिकॉर्डेड वाले सो बहुत बहुत जो इस सोच को बहुत धन्यवाद गुरुजी ज्ञान की राजीव गोयल सर को धन्यवाद और सारे मेंटोर्स एक से बढ़कर एक हैं तो मेरा सब मैम के लिए ग्रेटिट्यूड है कि मैम बहुत लग के पढ़ाती हैं उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हर चीज में प्रवेश करना होता है और उसके बाद हम जब घुसते हैं और सिर्फ करना ही नहीं होता वो दो तरफा होता है हमें तो मिला लेकिन हमें प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के बगैर कहें कि अगर अगर सामने एक आइसक्रीम पड़ी है और उसको चखे बगैर कहें इसका स्वाद कैसा है तो वो संभव ही नहीं है तो इसीलिए प्रैक्टिस करना हमारे हाथ में होता है वही हम लोगों की कमी ज्यादा या जो होती। और अच्छे तविशा जी को तो मैंने हमेशा ही देखा है इनके भी मैं वेबिनार्स में ही तविशा जी ने कहा था तो मैंने तब वो सुना था एंड शी वाज देयर इन दैट वेबिनार एंड आई हैड जॉइन मतलब ये बात मैं वो कब हुआ था कोर्स आई थिंक अक्टूबर नवंबर में कब हुआ या मैं भी ध्यान नहीं अपना रेकी ग्रैंड मास्टर का। लास्ट अक्टूबर सितंबर के लास्ट में हुआ था अच्छा शायद। अच्छा हाँ हाँ सितंबर सही कह रहे हैं और तब किया था और इसलिए बहुत ही मैम ने अच्छे से कराया था मैंने इतना विस्तृत तो निशा जी जो मैंने कहा आपने उससे बढ़ के ही पाया होगा मैम से। 100% मैंने तो पता है लास्ट में बस खत्म हो रही थी वेबिनार एंड आई हैव सीन योर वर्जन एंड मैं कर सीखी हुई थी थर्ड लेवल की सीखी भी हुई थी रेकी लेकिन मैंने ज्वाइन किया और बहुत मैम ने प्यार से सिखाती यहाँ तक कि 11 11 बज जाते थे 11:30 बज जाते थे और क्वेश्चन आंसर लेती रहती थी हमारे। सो थैंक यू सो मच वही मैम। जहाँ थैंक जहाँ हमारी 1 से 1.5 घंटे की क्लास है मैंने तो मैम के साथ 12 बजे भी बिताया है। एक बार जब फर्स्ट मैंने कोर्स किया था 12 बजे छोड़ा था मैडम ने। हाँ तो मोस्टली बता रही हूँ मैं वो 11 भी नहीं कहना चाहिए मुझे 12:30 11 12:45 किसी को कभी उन्होंने कट नहीं किया कि अच्छा बस बहुत हो गया वही वही बात बार बार भी पूछते रहे बहुत से लोग। कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं शुरू में आते और जैसे पूछ लेते हैं कि भाई आपको क्या हुआ वो भी रिपीट कर देती थी ऑफकोर्स अटूनमेंट का दिक्कत होता है तो वो तो रेस्ट एश्योर मैम की नॉलेज और मैडम का पैशन बहुत ही प्यार से सिखाती है बहुत अच्छे से। सो थैंक यू सो मच मैम थैंक यू। थैंक आई यू। माइट और माइट नॉट ज्वाइन क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता आजकल बहुत बिजी हूँ मैं ओटीज में और हॉस्पिटल की काफी लेट आती हूँ मैं और फिर क्या होता है कि जब मैं एनरोल कर लूँ मैं नहीं कर पाऊँ तो मुझे बड़ी वेदना होती है कि लो ये भी आज की क्लास छूट गई फिर आज की छूट गई और मैं साथ में नोट्स भी बनाती हूँ तो जरूर जब मतलब वॉलेट फ्लेम मेरा नहीं करा हुआ है मैं जरूर करना चाहूंगी अब देखती हूँ कि करूंगी कभी ना कभी तो लेकिन आई डोंट नो जैसा भी बनेगा आपसे तो कनेक्टेड ही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी क्लासेस जितनी जल्दी होगी ग्रैंड मास्टर की भी शुरू करेंगे बट अभी हमारा वॉलेट फिल्म का है तो मैं उम्मीद करती हूँ आप में से ज्यादा लोग उसको ज्वाइन करें और सीखें और अपनी हीलिंग मोडालिटी को और भी पावरफुल बनाएं। और जितने भी हीलर्स हैं उनको तो कम से कम सीखना ही चाहिए और जो लोग न्यू बिगिनर्स हैं वो लोग थोड़ा सा पहले अपना अंदर की पावर को बढ़ाएं जैसे कि अपना हीलिंग्स के माध्यम से या रेकी अपना जो नॉर्मल 1, 2, 3 लेवल का है चाहे आप वीडियोस के जरिए करें चाहे कैसे भी करिए उनको सीखिए पहले थोड़ा सा क्योंकि नहीं मैम मैं तो आ रही हूँ आपकी क्लास में। हाँ चलिए आप आइए। थैंक यू सो मच। तो अगर आप वो सब चीजें सीख कर आएंगे तो वो आपके लिए आसान होगी लेकिन अगर आप सीख के नहीं आएंगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, वो आएगा तब भी आपको प्रॉपर तरीके से आएगा, समझ में भी प्रॉपर तरीके से आएगा, आपके अट्यूनमेंट भी प्रॉपर तरीके से आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।
अगर आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं मैम कि वैसे हाँ तो मैं ये मैम की तारीफ जो है तविशा जी ने और स्मिते शर्मा जी मैम जी ने काफी कर दी है। मैं भी उसी बैच में था काफी और तारीफ काफी करते मुझे हैं। मैं तो मैम से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 6 7 8 महीने से ज्यादा हो गया। लगातार मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो एक या नहीं मैम की एक भी क्लास नहीं छोड़ी। मतलब सारे कोर्सेज मेरे लगातार कर रहा हूँ, जैसे रेकी के बाद ये करुणा रेकी हो गया, मैंने मनी रेकी सीखा, फिर अभी यूनिवर्सल रेकी में भी मैंने एडमिशन लिया और मैग्निफाई हीलिंग में भी मैंने एडमिशन लिया और सारे हीलिंग्स। अब मेरी तो करीब हफ्ते में 6 दिन चलती है क्लास और अब फिर ये एक जैसे अभी हमारा करुणा रेकी खत्म हो रहा है, उसी वही सेम क्लास फिर हमारी वॉलेट फ्लेम रेकी रेकी के स्टार्ट होने समय वाली है। पर ही ये समय हमारा सेट है ना। ठीक है, हाँ बेसिकली पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ये होता है कि ज्यादातर लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम आता है कि ऑनलाइन अटूनमेंट में उनको, लोगों को लगता है कि ऑनलाइन अटूनमेंट हम अगर किसी का करते हैं तो क्या वो एनर्जी आती है, तो ऐसा नहीं है, वो एनर्जी आती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों, सबको आजकल तो वैसे भी आप देखेंगे सब जगह ऑनलाइन होता है, लेकिन ऑनलाइन में भी क्या होता है, कई बार लोग अटूनमेंट के समय पे नहीं आते हैं किसी भी कारणवश, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ हो, या कई बार हम क्लास को भूल जाते हैं, वॉट एवर कुछ भी है, तो उसके लिए हम उसको एक हफ्ते के लिए स्थापित करते हैं हम उस एनर्जी। पहले हम ऐसा नहीं करते थे, लेकिन जब बहुत ज्यादा ऐसे क्वायरीज आती थी तो बार 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 अटूनमेंट देना डिफिकल्ट हो जाता था, तो हमने उसको 1 वीक के लिए स्थापित करते हैं। तो जो 1 वीक के लिए हम स्थापित करते हैं, तो अगर आप वो भी बैठ के अटूनमेंट करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा आप लाइव अटूनमेंट कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप रिकॉर्डेड कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर एनर्जी ही उस तरीके से स्थापित कर कर आपको देते हैं। आप उसको कभी भी कर सकते हैं, जिन्होंने अटूनमेंट ले लिया है वो भी अगर चाहे तो 1 वीक में कभी भी उस अटूनमेंट को दोबारा ले सकते हैं। तो इससे आपका और हमारा दोनों के लिए बहुत आसान तरीका हो जाता है काम करें। हाँ बताइए कमला जी। हाँ नमस्कार मैम, हाँ नमस्ते, मैं अभी आपके क्लास में नहीं हूँ। बाकी तो गुरुजी ज्ञान क्या अंशु मैडम का और शिल्पी मैडम का क्लास किया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैडम मैं साउथ साइड से आप हूँ, क्या हो, तमिलनाडु से। क्या तमिलनाडु मेरे को समझ नहीं आया, तमिलनाडु, मैम तमिलनाडु तमिलनाडु से हैं आप? अच्छा, से है, तमिलनाडु से है मैं। वहाँ पर पूरा रेके क्लासेस वगैरह किया हुआ है, ग्रैंड मास्टर किया हूँ, क्लासेस वगैरह मैं ले रही हूँ। क्या मैं उधर पढ़ने के बाद भी आपकी क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ हाँ कि बिल्कुल आपका कर क्लास कब सकते, पढ़ना पड़ेगा? कर सकते हैं आप सब कुछ, क्योंकि रेकी तो सब जगह एक जैसे ही सिखाते हैं, चाहे आप तमिलनाडु हाँ से करें चाहे यहाँ से करें, आप हाँ कर सकते हैं। अब ऐसे ही मैं तो वैसे रेकी ग्रैंड मास्टर किया हुआ है और लामा फिरा शेमाने गौर एंजल होस्टिंग और जो क्वानिन सब सीखी हूँ उस साइड से। वो प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, हीलिंग भी कर रही हूँ, क्लासेस भी ले रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं वैसे ज्वाइन कर सकते हैं क्या? वही है। नहीं आप कर सकते हैं जी, ओके मैम, थैंक यू। वैसे मैं फर्स्ट टाइम आपका क्लास अभी अटेंड कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात सुन के और बहुत कनेक्टिविटी मिल गई आपके साथ आपसे फर्स्ट टाइम में ही। बहुत एक अच्छा लगा बात, मैम। आपसे एक बात कह रही थी, ये जो आपने अपने नाम के आगे वी लगाया हुआ है ना, वी डॉट, हाँ तो हाँ ये मैम, वी को ना कैपिटल कर दीजिए, तभी भी अपने नाम को फर्स्ट उसे स्मॉल से ओके मैम, नहीं। हाँ ओके मैम, थैंक हाँ जी कविता जी बताइए। यू मैम। मैं ये बताना चाह रही थी, जैसे कि लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन पता नहीं अट्यूनमेंट या हमें, जैसे आपने बोला अभी मैं जैसे जितनी भी हीलिंग कर रही हूँ सारी ऑनलाइन वीडियो कॉल पे कर रही हूँ, तो ऑनलाइन ज्यादा अच्छी हीलिंग होती है ना। हीलर डिस्ट्रैक्ट होता ना, होने वाला होता ना करवाने वाला होता, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अब ये है ना कि जो लोग पहली बार करते हैं उनको लगता है कि पता नहीं वो कर पाए या ना कर पाए। नहीं मैम, अगर आप किसी का ऑरा भी चेक कर रहे हो, ऑनलाइन भी चेक कर रहे हो, और हाँ आप में है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपके ऑनलाइन में भी उस पर्सन को फील होता है।
वो पर्सन खुद बोलते कि हाँ मैम मेरे को एक प्रेशर सा, एक अच्छा सा फील हुआ। हाँ वो तो वो सारी बातें होती ही है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी देखिए हमारा काम है सबको डाउट क्लियर करना। आजकल सभी ऑनलाइन बिल्कुल करा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का कोई मन में इस तरह की कोई भावना है तो क्लियर तो करना हमारा काम ही है, तो हम वो करेंगे, है ना। आज से 10 साल बाद भी हमें क्लियर करना पड़ेगा तो हम तभी भी करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ शशि कुमार, कुमारी जी के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ ठीक है, आप करिए 24 बॉडी पार्ट्स के, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। वैसे तो अभी समय है, एक हफ्ता ही समझ लीजिए, नेक्स्ट फ्राइडे से क्लास स्टार्ट होगी, और तो आप कर सकती हैं उसको, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए फिर हम अभी क्लास को वाइंड अप करते हैं, और अधिकतर लोगों को मैं देखना चाहूंगी क्लास के अंदर फ्राइडे को, जो हमारी फर्स्ट क्लास। मैं ज्वाइन करूंगी मैम इसी बात श्योर। थैंक यू। एक्चुअली मैं अभी मेडिटेशन के लिए बैठने वाली थी, अचानक जूम मीटिंग देखा तो फटाफट मैं ज्वाइन हो गई। मतलब ये मेरे को करना था इसलिए मैं मेडिटेशन में नहीं गया। उसके पहले कभी कभी व्हाट्सएप नहीं देखती हूँ। जब मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ तो थोड़ी देर मोबाइल से दूर रहती हूँ। अभी सब तैयार होके मेडिटेशन में बैठने वाली थी, अचानक मेरे को पता नहीं आज मोबाइल देखना मन किया, तो उस समय जूम मीटिंग हुआ, फटाफट मैं ज्वाइन किया। 6 बजे करीब में ही मैं किया है। इसका मतलब मैं इसमें ज्वाइन होना था, ये यूनिवर्सल का तो, और अच्छा मतलब वो है, इसलिए मैं आज मोबाइल देखने पड़ी। इसलिए मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं होगा मैम, थोड़ा सा इतना समझ में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं नहीं, आ रहा थोड़ा है, बहुत। आप आपकी वॉइस थोड़ी सी स्लो है लेकिन समझ में आ रही है, पर थोड़ा धीरे आए हम अभी आवाज। मैं अभी मिजोरम में हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, नॉर्थ ईस्ट में है। अभी बारिश बहुत हो रही है इसलिए थोड़ा नेटवर्क वीक है यहाँ पे। अच्छा हाँ थैंक यू मैम, मैं ज्वाइन करूंगी आपकी अच्छा क्लास। अभी थैंक अभी आपको समझ में आ रहा है जो मैम ने बताया? अगर आप इतना समझ रहे हैं तो आगे भी समझ में आ जाएगा, नहीं मेरे को ये समझ में आता अंडरस्टैंडिंग। है, हिंदी मेरे को अच्छा समझ में आता है लेकिन बोलने में मेरे को इतना फ्लुएंसी नहीं है, और जो हाँ लिंग वगैरह है ना वो मेरे को इतना अच्छा नहीं है। किसके साथ आप क्या बोलना है, थी क्या बोलना है, कहाँ था बोलना है, ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं थोड़ा प्लेटफॉर्म में बात करने के लिए डर लगती हूँ कि किसी के जहाँ पर जहाँ आप बोलने के जहाँ तुम ना बोल जाए उसको, उन्होंने कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए थोड़ा मैं बात करने से थोड़ा डरती हूँ, और कुछ नहीं है। नहीं, बेसिक तो अगर आप समझ बेसिक में हिंदी जानते हैं ना, बेसिक हिंदी प्लस इंग्लिश में मिक्स करके आप बोल सकते हैं, तो सब मैम हाँ को हम भी समझते हैं कि नहीं, आप। मैम को तो वैसे हिंदी तो समझती हूँ मैं, बहुत क्लासेस में हिंदी में ही किया हुआ, हम लोग के साइड में इतना क्लासेस नहीं होती है वैसे, जो यहाँ पर जो इतना है जो रेकी है और इन ओकल्ट फील्ड में नॉर्थ साइड में इतना है ना, वो साउथ साइड में उतना नहीं है, इसलिए मेरे को हिंदी जानने की वजह से मेरा एक गिफ्ट है कि ये ज्यादा चीज मैं सीख रही हूँ यहाँ से। ये है कि थोड़ा बात करने में थोड़ा सा मेरे को ये होगा, मेरी बात आप मैम को और जो सुनते हैं उनको समझ में आना चाहिए, वही मैं बता रही थी और कुछ नहीं। थैंक नहीं बा ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है, आप उसके टेंशन ना ले। थैंक यू मैम। बहुत लोग हैं जो साउथ से करते हैं, मोहन कुमार जी बैठे हैं, वो हाँ उनका भी यही प्रॉब्लम है लेकिन। अच्छा अच्छा मैं बेंगलोर से मोहन कुमार बात कर रहा हूँ। बात करने के उपासना मैडम का वर्ड नहीं है, बहुत है। मैं उसका मॉडलिटी ग्रैंड मास्टर किया हूँ। मेरे साथ तुलसी जी है, तुलसीदास है ब्रदर, और राहुल जी है, और डॉक्टर स्मिता जी है। इसीलिए बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत पहले उपासना मैडम को बहुत प्रणाम करता हूँ। इस मॉडलिटी बहुत सिखा सिखा सिखाता है। मेरे को लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आएगा, मैं तो मालूम नहीं, सुनने को लिए यहाँ भी बोल लेना वही प्रॉब्लम है। बताने के लिए, बात करने के बहुत इसीलिए मैडम से बहुत प्रेम है, करुणा से सिखाता है सभी लोग। उपासना मैडम के ये मराठी सीखे इसलिए मैं बताता हूँ। शुक्रिया प्रणाम। चलिए ठीक है, अभी हम ये क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं फ्राइडे को। थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू मैम, यू मैम, गुड थैंक यू नाइट। सो मच मैम।
थैंक यू सचिन जी, थैंक अभी यू आप थैंक मुझे यू फोन पे बात करिएगा, आप क्लास के बारे में बात कर रहे हैं ना मैग्नीफाई की लिंक की, तो मैं आपसे फोन पे बात करूँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, गुरु माँ प्रणाम। थैंक यू।